हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं कमलेश मेहता आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं हमारे यात्रियों के साथ 7 दिन की आदि कैलाश यात्रा पर हूं। हमारी यह यात्रा प्रारंभ होती है काठगोदाम से। सुबह के नाश्ते के पश्चात लगभग 7:30 बजे हम निकल चुके हैं हमारी यात्रा पर। हमारी यात्रा में हमारा पहला साइट सीन है भीमताल। प्रातःकालीन भीमताल शहर की खूबसूरत सड़क का सफर और भीमताल शहर की ठंडी आबोहवा का लुत्फ उठाने के पश्चात हम आगे बढ़े भीमेश्वर महादेव के दर्शन करने। आज की यात्रा में हमारे साथ हैं गिरिराव सर, ललिता मैम, गांधी सर, रानी मैम, मुरली सर, अनुराधा मैम, चलपति सर, उमा मैम, रेड्डी सर, भारती मैम, श्रीधर सर और लक्ष्मी मैम। इस टूर को मैं कमलेश सिंह मेहता संचालन करने के साथ साथ आज की इस पूरी यात्रा में हमारे यात्रियों के साथ मौजूद हूँ। लगभग 15 मिनट भीमताल शहर की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने के पश्चात अभी हम भीमेश्वर महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं। भीमेश्वर महादेव मंदिर पांडव कालीन प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों के भाई भीम ने अपने अज्ञातवास के दौरान किया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहां पर भीम ने अपनी गदा से प्रहार कर भीमताल झील का निर्माण किया था। भीमताल झील और भीमेश्वर महादेव का सीधा संबंध पांडवों के भाई भीम से है। भीमेश्वर महादेव यानी पांडवों के भाई भीम के आराध्य देव। भीमताल झील कुमाऊं की सबसे बड़ी झील होने के साथ साथ जो पर्यटक भीड़ भाड़ और शोरगुल से कोसों दूर रहना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतर विकल्प है। कुछ क्षण भीमताल में बिताने के पश्चात अभी हम निकल चुके हैं कैंची धाम की ओर। कैंची धाम में नीम करौरी बाबा के दर्शन करने के पश्चात हमने यहाँ पर लंच लिया और हम आगे बढ़े आज की हमारी यात्रा में। काठगोदाम से लगभग 82 किलोमीटर के खूबसूरत सुहाने सफर के पश्चात हम पहुंचते हैं अल्मोड़ा। अल्मोड़ा की बाल मिठाई के साथ साथ अल्मोड़ा शहर प्रसिद्ध है माँ नंदा देवी टेम्पल के लिए। माँ नंदा देवी के दर्शन के लिए जाते समय हमें रूबरू होने को मिलता है अल्मोड़ा की लोकल बाजार से। साथ ही साथ अल्मोड़ा की इन गलियारों से होती हुई हमारे यात्री अपने साथ ले जा रहे हैं अल्मोड़ा की बेसुमार यादें। लगभग 5 मिनट के पैदल वॉक के पश्चात हम पहुंचते हैं माँ नंदा देवी के दरबार पर। माँ नंदा देवी चंद वंश की इष्ट देवी यानी कुल देवी के साथ साथ नव दुर्गा में से एक देवी हैं। कुछ क्षण माँ नंदा देवी की साधना में बिताने के पश्चात और माँ नंदा देवी का आशीर्वाद लेने के बाद हमने लुत्फ उठाया अल्मोड़ा की नुक्कड़ की गरम गरम चाय का। अब हम जा रहे हैं चितई गोलू देवता के दर्शन के लिए। चितई गोलू देवता यानी न्याय के देवता, लॉर्ड ऑफ जस्टिस। चितई गोलू देवता के बारे में धारणा है आज तक जो भी चितई गोलू देवता के दरबार पर जो भी मनोकामना लेकर आया वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा। अक्सर चितई गोलू देवता को लोग चिट्ठियों के माध्यम से
अपनी मनोकामनाएं और अपनी अर्जी लगाया करते हैं। संध्या बेला में चितई गोलू देवता के दरबार में कुछ क्षण बिताने के पश्चात आज की हमारी यह यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगले भाग के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप भी आदि कैलाश की यात्रा हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।